नमस्कार, आर्या न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ अलका सिंह। बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। खबरों का रुख करते हैं। अटल समाधि स्थल पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचे और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की समाधि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान नीतीश कुमार ने कहा कि मैं यहाँ पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि देने आया हूँ। वो हम लोगों की बहुत इज्जत करते थे और हमसे बहुत प्रेम करते थे। हम कभी उन्हें भूल नहीं सकते। जब मैं पहली बार बिहार के सीएम के रूप में शपथ लिया था तो वो वहां मौजूद थे। आए और अंतिम संस्कार हुआ तो उस समय तो यहाँ मौजूद ही थे, तो आज यहाँ आकर के, और बीच में तो मान लीजिए कि कोरोना का दौर आ गया था, तो इसलिए आज आकर के हमको मौका मिला। उनसे बहुत ज्यादा वो इतना प्रेम करते थे, इतना हम लोग उनकी इज्जत करते थे और हम कभी भूल नहीं सकते हैं उनको हमेशा। और उन्होंने किस तरह से कितना काम मुझको दिया और किस तरह से हमने किया और किस तरह से हमको सब कुछ करते थे, प्रेम करते थे, सब कुछ करते थे। और सब दिन जब तक वो रहे, आज बताइए, जब बिहार में हम तो जब मुख्यमंत्री बने तो वो बनाने के लिए तो थे ही, और उस दिन शपथ पहली बार हुआ तो वहां पर भी वो गए। आगे भी हर प्रकार से उनसे मिलना, और बीच में उनकी तबीयत खराब हो गई ये अलग बात है, तब भी हम लोग हमेशा ये उनका हो गया खैर बहुत 2018 में तो हम लोग सब तो यहाँ ही रही। तो आज के दिन हम वही अपना नमन अर्पित करने के लिए यहाँ। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने अनुच्छेद 370 को निरस्त करने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि बेहद खुश हूं कि सुप्रीम कोर्ट इस पर सुनवाई करेगा। उन्होंने कहा कि ये मेरे दिल के करीब है, ये सिर्फ कानूनी मुद्दा नहीं है, जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए एक जज्बाती मुद्दा है। हम जम्मू कश्मीर के बेजुबान लोगों को आवाज़ देने के लिए वकीलों के बेहद आभारी हैं। सुप्रीम कोर्ट में चल रही दलीलों ने सत्तारूढ़ पार्टी बीजेपी को बेनकाब कर दिया है, जिसने भारतीय संविधान को नष्ट करने के लिए संसद में अपने बहुमत का दुरुपयोग किया। उन्होंने जम्मू कश्मीर के लोगों का विशेष दर्जा छीन लिया। मुझे बहुत खुशी हो रही है इस मामले में कि आज हम जो जिसको इंसाफ का मंदिर कहा जाता है, मैं उसके सामने खड़ी हूँ। मेरे लिए आज बहुत ही पहली बार मैं आई हूँ और मेरे लिए बहुत मुश्किल है यहाँ रहना, इसको बात करना, क्योंकि आज सुनवाई हो रही है 370 के ऊपर, जो मेरे लिए, हमारे लिए एक जज्बाती मुद्दा है। इट्स नॉट ओनली अ लीगल थिंग फॉर मी, इट्स फॉर मेजोरिटी ऑफ द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इट्स इमोशनल इशू एंड फाइनली आफ्टर 4 ईयर्स इंतजार करने के बाद आज इसकी हियरिंग हो रही है। एंड वी आर ऑल ग्रेटफुल टू द एस्टीम लॉयर्स who have given voice to the voiceless people of Jammu and Kashmir, who have been threatened into silence through the barrel of gun, through coercive measures like PSA, UAPA, NIA, ED, SIA, SUI, all draconian laws and weaponized agencies, जिससे जम्मू कश्मीर के लोगों को पिछले 4 साल से खामोश कराया जा रहा है। कोई वहां पर, जिस तरह मैंने देखा आज सुप्रीम कोर्ट में, जिस तरह 370 के ऊपर डिस्कशन और डेलिब्रेशन हो रही है, आप जम्मू कश्मीर में एक आम जम्मू का, कश्मीर का, लद्दाख का बंदा इस पे बात नहीं कर सकता। अगर बात करेगा तो उसको जेल में डाल देते हैं। तो जो आज डिस्कशंस एंड द डिबेट्स दैट आर द आर्ग्यूमेंट्स दैट आर गोइंग इन द सुप्रीम कोर्ट, दैट हैज एक्सपोज्ड द रूलिंग पार्टी बीजेपी हाउ दे मिसयूज देयर ब्लू मेजोरिटी इन द पार्लियामेंट टू सबवर्ट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, डेसिक्रेटिंग द पार्लियामेंट विच इज नोन एज अ टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी, यानी टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी को भी इन्होंने एक हिसाब से अपवित्र कर दिया। अपनी ब्रूट मेजोरिटी से एक ऐसा कानून लाया, एक ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन को सबवर्ट किया, जिस कॉन्स्टिट्यूशन ने जम्मू कश्मीर के लोगों को एक स्पेशल स्टेटस दिया था, आज उसको भी इन्होंने अपने जो वोट की खातिर बिना किसी मतलब की अनकॉन्स्टिट्यूशनली उसको खत्म कर दिया। टुडे आज हमारा स्पेशल स्टेटस इज नॉट ऑन ट्रायल, लेट मी बी वेरी यू नो क्लियर अबाउट इट। इज द आइडिया ऑफ इंडिया दैट जेके जम्मू कश्मीर द अर्थ वाइल जम्मू कश्मीर वेडेड इटसेल्फ टू दो इवन दो बीइंग अ मुस्लिम मेजोरिटी, जिस आइडिया ऑफ इंडिया के साथ हमने हाथ मिलाया है, आज उसका मुकदमा अंदर चल रहा है। आज हमारा मुकदमा अंदर नहीं चल रहा है,
इट्स द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दिस कंट्री जिसने हमें गारंटीज दी कि बीइंग अ यूनिक स्टेट हैविंग अ यूनिक आइडेंटिटी, जिन्होंने हमें इंश्योर किया सर्टन सेफ गार्ड्स कि हमारी आइडेंटिटी जो है वो बरकरार रहेगी, दैट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज ऑन ट्रायल। मुझे बहुत खुशी। यूपी में राज्य फॉरेंसिक साइंस इंस्टीट्यूट के छात्रों से बातचीत करते हुए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आपको खुद को अपडेट करना होगा और समय के अनुसार बदलाव करना होगा। अक्सर लोग साइबर से जुड़े अपराधों को नकार देते हैं क्योंकि उन्हें इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं होती है। फॉरेंसिक साइंस में भी कुछ ऐसा ही है, अक्सर जब अपराध होता है तो लैब से रिपोर्ट आने में महीनों लग जाते हैं। कई बार लैब रिपोर्ट के कारण पीड़ित पक्ष न्याय से वंचित रह जाता है, इसलिए ज़रूरी है कि हम अपराधों की प्रकृति को समझें और उसके अनुरूप खुद को तैयार करें। समय के अनुरूप हमें भी अपने आप को तैयार करना होगा। अगर हम अपने आप को तैयार नहीं करेंगे, अपडेट नहीं करेंगे, अक्सर होता क्या है, साइबर अपराध से जुड़े हुए जितने मामले आते हैं, जानकारी न होने के नाते लोग उनको नकारते हैं, दौड़ाते हैं, भगाते हैं, लोगों में एक खिन्नता होती है, व्यवस्था के प्रति अविश्वास पैदा होता है। ऐसे ही फॉरेंसिक साइंस का भी है। अक्सर होता है कहीं कोई अपराध हुआ, एफएसएल की लैब में जांच करने के लिए गया है, फिर वह महीनों महीनों लगते हैं उसमें रिपोर्ट आने में, और बहुत बार रिपोर्ट में भी इतना घालमेल होता है कि उस पे भी प्रश्न खड़े होते हैं। देश बहुत बार पीड़ित पक्ष न्याय पाने से वंचित हो जाता है या न्याय की आस में उसका पूरा जीवन व्यतीत हो जाता है। वही कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का बजरंग दल को लेकर बयान सामने आए हैं। उन्होंने कहा कि अगर हम मध्य प्रदेश में चुनाव जीतते हैं तो हम बजरंग दल पर प्रतिबंध नहीं लगाएंगे, क्योंकि बजरंग दल में कुछ अच्छे लोग भी हो सकते हैं, लेकिन हम दंगों या हिंसा में शामिल किसी को भी बख्शेंगे नहीं। ये तय प्रदेश इलेक्शन कमेटी और सेंट्रल इलेक्शन कमेटी स्क्रीनिंग कमेटी तय करेंगे, ठीक है। देखिए, बैन नहीं करेंगे, लेकिन बजरंग दल में कुछ अच्छे लोग भी हो सकते हैं, लेकिन जो गुंडा तत्व है, जो दंगा फसाद कराता है, ऐसे किसी भी व्यक्ति को नहीं छोड़ा जाए। रेवाड़ी में शराब ठेके पर 1,00,000 शराब की बोतल और 10,000 कैश लूटने का मामला सामने आया है। दो लुटेरों ने घटना को अंजाम दिया, पॉलिथीन से पहले कैमरे को ढक दिया, इसके बाद ठेके के अंदर मौजूद सेल्समैन के साथ मारपीट की और शराब और कैश लूटकर फरार हो गए। फिलहाल रोहड़ाई थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। वहीं कानपुर देहात में विद्युत विभाग ने अनोखा कारनामा कर दिया है। आज़ादी के 77 साल बीत जाने के बाद जिस गांव में अभी तक बिजली नहीं पहुंची थी, गांव के ग्रामीणों की शिकायत पर जिला प्रशासन ने विद्युत विभाग को गांव में विद्युतीकरण करने के निर्देश दिए थे। जिला प्रशासन के निर्देश के बाद विद्युत विभाग ने महज 48 घंटे के अंदर गाँव में विद्युत की सप्लाई चालू कर दी। आपको बता दें कि स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर गांव को बिजली से रोशन कर दिया गया। विद्युतीकरण होने के बाद गांव में खुशी का माहौल है। ग्रामीणों ने जिला प्रशासन को उसके लिए धन्यवाद दिया है। ये जलाल जनपद कानपुर देहात में जलालपुर नागिन एक का मजरा है, ग्राम गोदेपुर। मीडिया के द्वारा और जिलाधिकारी महोदया की अध्यक्षता में 12 अगस्त को जो बैठक हुई थी, आयोजित की गई थी, उसमें संज्ञान में आया कि एक हमारा क्षेत्र में एक ऐसा मजरा भी है जहां पर जो है विद्युतीकरण नहीं है। तो जिलाधिकारी महोदया और माननीय जनप्रतिनिधियों ने एक चैलेंज दिया हम लोगों को कि जो है स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अगर हम इस गाँव
का विद्युतीकरण कर सके तो बहुत अच्छा होगा। एक समाज में एक बहुत अच्छा मैसेज जाएगा, सरकार के लिए भी अच्छा मैसेज जाएगा। हम लोगों ने, पूरी टीम ने इस टास्क को एक चैलेंज के रूप में लिया। हमारी पूरी टीम ने जो है लगातार 48 घंटे गोदीपुर गांव में रहकर गोदीपुर गांव का विद्युतीकरण कराया और स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर 12:01 पर हमारे माननीय MLC साहब श्री अरुण पाठक जी द्वारा गांव का फीता काट का उद्घाटन किया गया और गांव के विद्युतीकरण को जो है ग्रामवासियों को इंटर। अच्छा, अभी तक गांव में लाइट नहीं थी तो किस तरीके से पढ़ाई हो रही थी आपकी? सर बिल्कुल भी नहीं पढ़ाई सही से हो रही, दीप जलती थी सही नहीं था, बत्ती भी जला करते थे। कल से लाइट आई है तो पढ़ाई भी अच्छे से, मन भी लग रहा है और अच्छा भी लग रहा है। अच्छा, अभी तक लाइट नहीं थी तो किस प्रकार की और भी परेशानियाँ थी? सर परेशानियाँ तो काफ़ी थी, कभी टॉर्च भी जगाते थे, कभी लाइट भी नहीं, कुछ भी साधन नहीं था। सरकार ने अब मेरे को दे दिया लाइट तो साधन हो गई है तो पढ़ने में मन भी लगेगा। तो अरे साहब बहुत अच्छा किया आप लोगों, लोगों के आशीर्वाद से ये काम हो गया। हमारी इतनी उम्र हो गई, हम अंधेरे ही अंधेरे में बच्चे लोग तड़पते बीमारी से रहे, परेशान रहे, लेकिन कल अच्छा हुआ सौभाग्य जो 15 अगस्त को हमारे यहाँ लाइट आ गई। तो अभी तक बच्चे वगैरह जब पढ़ते थे तो कैसे पढ़ते थे? वो साहब दीपक जलाते थे, तेल ईल का ऐसे उल्टा सीधा दीपक जला के अपना गुजर कर रहे थे। अप्लीकेशन भी दिया, दिए लोग, प्रयास भी किया, कोई सुनवाई नहीं, क्या थे? तो अब सर हमारे ग्राम में अभी तक जब से देश हमारा आजाद हुआ तब तक ना ही कोई विद्युतीकरण था ना ही हुआ। ये गाँव के लोग बहुत परेशान थे, उच्च अधिकारियों तक जैसे तैसे खबर पहुंचाई गई प्रार्थना पत्र के माध्यम से और जनप्रतिनिधियों तक खबर पहुंचाई। अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने तत्परता दिखाते हुए 3 कार्य दिवसों के अंदर उपरोक्त कार्य को पूर्ण कराया और विद्युत ना होने के कारण हमारे गांव में बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हुई बीच में, जैसा कि जो शादी विवाह में जो इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट मिलते थे उनका भी कोई भी सही से यूज ना हो पाना, वो सारे ऐसे ही धरे धरे बेकार हो जाते थे। और आजकल विद्युत का होना बहुत ही आवश्यक है, विद्युत ना होने की वजह से बीमारी भी हमारे गांव में बहुत तेज़ी से बढ़ी। उसको देखते हुए जिलाधिकारी महोदया ने संज्ञान में लिया और उच्च अधिकारियों को उन्होंने आदेश दिया विद्युत कर्मियों का। यहाँ पर 3 दिन लगातार SDO माननीय SDO साहब, JE साहब और कल XEM साहब भी आए, उन्होंने अपना कैंप लगा करके इस काम को बहुत। वही शासकीय हमीदिया महाविद्यालय के स्थापना के 75 वर्ष पूरे होने पर आयोजित अमृत महोत्सव का कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शामिल हुए। इस दौरान लोगों से बातचीत करते हुए CM शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि तुम केवल 3.5 हाथ के हाड़ मांस के पुतले नहीं हो, ईश्वर का अंश हो, अनंत शक्तियों के भंडार हो, दुनिया में कोई ऐसा काम नहीं जो तुम नहीं कर सकते। नदियाँ चले चले रे धारा, चंदा चले चले रे तारा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना। थोड़ा बजा दो यार। नदियाँ चले चले रे धारा, चंदा चले चले रे तारा, जो हिंदू राष्ट्र को लेकर दिग्विजय सिंह और कमलनाथ के बयान पर CM शिवराज सिंह ने निशाना साधा है। CM शिवराज चौहान ने कहा कि इनको ना हिंदुत्व से लेना देना है ना ही देश और समाज से, ये तो वोटों की फसल काटने के लिए जब जो ठीक समझते हैं वो कहते और करते हैं, इनको किसी से कोई लेना देना नहीं है। दिग्विजय सिंह को ना कमलनाथ जी को, इनको ना तो हिंदुत्व से लेना देना है ना देश से लेना देना है ना समाज से लेना देना है, ये तो वोटों की फसल काटने के लिए जब जो ठीक समझते हैं वो कहते रहते हैं,
इनको किसी से लेना देना नहीं, सर विजय सिंह को ना कमलनाथ जी को। वहीं मुंबई के बांद्रा रेलवे स्टेशन पर नाबालिग हिंदू लड़की के साथ घूमने वाले एक मुस्लिम युवक के साथ मारपीट का कथित वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने लव जिहाद के नाम पर हमले की जांच की मांग की है। AIMIM के राष्ट्रीय प्रवक्ता वारिस पठान ने वीडियो शेयर कर कहा कि मुंबई के दिल में ये क्या हो रहा है, लव जिहाद के नाम पर हिंदुत्व के गुंडे एक निहत्थे मुस्लिम युवक की पिटाई कर रहे हैं। लव जिहाद नाम की कोई चीज़ नहीं है। जय श्री राम के नारों के बीच मुस्लिम युवक की पिटाई हो रही थी। बड़ा अफसोस हुआ, बड़ा शर्मिंदगी महसूस हुई कि मुंबई जैसे शहर के अंदर इस तरह की घटना हो रही है कि लव जिहाद के नाम पर, जबकि लव जिहाद जैसा कोई कंसेप्ट ही नहीं है, लव जिहाद के नाम पर आप एक मुसलमान निहत्ते लड़के को कुछ हिंदुत्ववादी गुंडे, मैं कहूंगा उनको, वो पकड़ते हैं, बेरहमी से मारते हैं अकेले को। वहां पर पुलिस खड़ा हुआ है, RPF का देख रहा है, कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है, उसको मारते हुए लेके जा रहे हैं, JSR के नारे लगाए जा रहे हैं, उनको बोल रहे कि ये इस लड़की को लेकर आ गया था। अरे ये क्या हो रहा है हमारे शहर में? और आज हम आजादी का 77वां इंडिपेंडेंस डे मना रहे हैं। हमारे शहीदों ने कभी सोचा नहीं होगा जिंदगी में कि हम मुसलमानों को इस तरह के दिन कभी देखने पड़ेंगे हिंदुस्तान के अंदर। इतना शर्मनाक वाक्य क्या कर रही है पुलिस प्रशासन? अगर आपको लगता है किसी ने गलती किया, पुलिस है ना, ले जाओ उसको कानून के तहत सजा दो। आपको कानून हाथ में लेने का अधिकार किसने दिया है? ये क्यों होता है? ये इतना रेडिकलाइजेशन कहां से होता है? जब ये महाराष्ट्र की सरकार ये महापंचायत के नाम पे परमिशन पे परमिशन देते जा रही है, जहां पर अनाउंसमेंट किया जाता है, लव जिहाद के नाम पे बात की जाती है, मुसलमानों के नरसंहार की ओपन कॉल बात की जाती है, और उनके ऊपर जब FIR होता है उनको अरेस्ट भी नहीं किया जाता। वही देश के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर करने वाली रानी अवंती बाई का जन्मदिवस है, तो दूसरी तरफ पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि भी है। पूरा देश भारत माता के लिए प्राण पग लगा देने वाले दोनों देशभक्तों को याद कर रहा है। इसी की कड़ी में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी भोपाल के अटल बिहारी चौराहे पर पहुंचकर अटल जी को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान चौराहे के पास लगी अटल प्रतिमा पर पुष्प भी अर्पित किए। आज सबसे पहले मैं रामकृष्ण परमहंस जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ, जिनकी प्रेरणा से स्वामी विवेकानंद जैसे शिष्य पैदा हुए और जिन्होंने राष्ट्रीय स्वाभिमान और स्वतंत्रता की अलख जगा के पूरे देश को खड़ा किया। मैं रानी अवंतीबाई, वीरांगना रानी अवंतीबाई जी, जिन्होंने भारत माता के पैरों से स्वतंत्रता की बेड़ियां काटने के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया था, वो झुकी नहीं, हटी नहीं, और भारत माता की स्वतंत्रता के लिए उन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया, ऐसी वीरांगना रानी अवंतीबाई हमारी प्रेरणा है। हम श्रद्धा सहित उनके चरणों में प्रणाम करते हैं। उनका ये बलिदान हिंदुस्तान और मध्य प्रदेश कभी भूलेगा नहीं। आज सबसे पहले मैं राम वहीं बुलंदशहर में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने फर्जी हॉस्पिटल को सीज कर दिया है। एक हफ्ते पहले भी इस हॉस्पिटल को सीज किया गया था, लेकिन बावजूद इसके हॉस्पिटल खुला मिला, जिसके बाद दोबारा कार्रवाई करते हुए हॉस्पिटल को फिर से सीज कर दिया गया। जानकारी के मुताबिक कोतवाली नगर क्षेत्र के बाईपास रोड स्थित मैक्स एक्स हेल्थ केयर हॉस्पिटल को प्रशासन की तरफ से सीज किया गया है। वहीं कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने ईवीएम को लेकर कुछ सवाल किए, जिसके बारे में बोलते हुए कांग्रेस नेता ने कहा कि ईवीएम को लेकर हमारे कुछ प्रश्न हैं जिनका उत्तर चुनाव आयोग नहीं दे रहा, हम चाहते हैं कि इन प्रश्नों का जवाब दिया जाए।
देश में हिंदुओं की जनसंख्या जो है बताना कोई पाप है क्या? सर, लेकिन भारतीय संविधान के आधार पर ही ये देश चलेगा, और जो लोग भारतीय संविधान की शपथ लेकर आज पद पर बैठे हैं, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, अगर वो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं तो पहले उनको इस्तीफा। वही नेहरू मेमोरियल संग्रहालय और पुस्तकालय का नाम बदलकर प्रधानमंत्री संग्रहालय और पुस्तकालय करने पर महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता अशोक चौहान ने सरकार पर हमला किया है। उन्होंने कहा कि नाम बदलना अब रोजमर्रा की बात हो गई है। मेरी राय में राजनीति में बदलाव के हिसाब से नाम नहीं बदलने चाहिए। देश में कुछ नई चीज़ें बनती हैं तो उसको नाम दे। मुझे नहीं लगता कि संस्थान के नाम बदलने को लेकर लोगों में कोई सराहना है। ऐसा है कि रोज ही चल रहा है, क्योंकि मैं मेरी व्यक्तिगत तौर पर यह भूमिका है कि जो नामकरण कोई भी जगह का हुआ है उसको बार बार राजनीतिक हालात बदलते हुए रोज नामकरण बदलते जाएंगे तो वो उचित नहीं है। जो चल रहा है वो चलने दीजिए। देश में नया कुछ बना रहा है नाम जरूर दीजिए ना। एकाध कोई नई चीज बनती है उसको नामकरण करे। अब रोज व्यक्तियों के नाम बदलेंगे, संस्थाओं के नाम बदलेंगे, तो ये नाम बदलने के सिलसिले से लोगों में वहीं 12 साल बाद आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप भारत में हो रहा है। 5 अक्टूबर से इसकी शुरुआत हो जाएगी। इसमें अब 50 दिन से कम समय रह गया। ऐसे में आईसीसी ने प्रमोशन की तैयारी शुरू कर दी है। बुधवार सुबह करीब 7:30 बजे ताजमहल में कुछ लोग हाथ में चमचमाती ट्रॉफी लेकर पहुंचे। ट्रॉफी को ताजमहल के वीडियो शूट के लिए प्लेटफॉर्म पर रख दिया गया। जैसे ही पर्यटकों की नज़र ट्रॉफी पर पड़ी तो लोग रुक गए। फिर ट्रॉफी के साथ सेल्फी लेने और वीडियो बनवाने के लिए पर्यटकों की होड़ लगी। सुरक्षाकर्मियों ने मुश्किल से लोगों को संभाला। बाद में लोगों ने दूर से ही फोटो और वीडियो शूट कराए। इस दौरान ट्रॉफी के चारों तरफ बाउंसर खड़े थे। ताजमहल के संरक्षण सहायक प्रिंस वाजपेयी ने बताया कि आईसीसी की ओर से उनसे ट्रॉफी के शूट को लेकर परमिशन मांगी गई थी। करीब 1 घंटे तक शूटिंग चली। वहीं बुलंदशहर में कब्र खोद कर 12 दिन पहले दफन हुए मुर्दे का हाथ और उंगली काट ली गई। पट्टा के लिए कब्र पर लगाए गए 3 तख्ते भी कब्र के पास रखे मिले। वहीं मरहूम के बेटे ने अज्ञात लोगों के खिलाफ तहरीर दी है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। पूरा मामला थाना खानपुर पटवारियान मोहल्ले में स्थित कब्रिस्तान का बताया जा रहा है। अभी खानपुर थाने में जो बात हुई उससे पता चला है कि थाना है कि कुछ दिन पहले उन्होंने एक पिता की बॉडी जो है दफन किया था एक कब्रिस्तान में। उसमें उनकी बॉडी ऊपर आने की बात उन्होंने बताई है और इसके आधार पे जब मौके पर जाकर जाँच की गई है तो प्रथम दृष्टया ये लग रहा है कि कोई जानवर जो है उसमें पकड़ाया गया था, वहाँ उसको क्षतिग्रस्त किया है। फिर भी उनकी तहरीर ले ली गई और अन्य तरीके से उसकी जाँच की जा रही है। उद्धव ठाकरे गुट के सांसद संजय राउत ने बीजेपी पर हमला किया है। संजय राउत ने कहा कि उनके पास और क्या बचा है। आप इमारत का नाम बदल सकते हैं लेकिन आप इतिहास में वर्णित पंडित नेहरू का नाम नहीं बदल सकते। आप महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सावरकर जी द्वारा बनाए गए इतिहास को नहीं बदल सकते। आप उनके जैसा इतिहास नहीं बना सकते, इसलिए आप नाम बदल रहे हैं। अजीत पवार इतने बड़े नेता नहीं है कि जो शरद पवार सबको ऑफर दे सके। अजीत पवार को पवार साहब ने बनाया है, पवार साहब को अजीत पवार जी ने नहीं बनाया है। 60 साल से भी ज्यादा समय पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स में पवार साहब ने बिता चुके हैं। महाराष्ट्र के 4 बार मुख्यमंत्री, केंद्र में मंत्री रहे, 12 बार उनका जो कद और अवदाय बहुत बड़ा है। तो ये अजित पवार, हसन मुश्रीफ, ये जूनियर लोग हैं, पवार सबको ऑफर देंगे, ऐसा कभी होता है क्या राजनीति में? नहीं, उसके पास भी उनके पास बचा क्या है? सिर्फ नई बात कोई बनाए के नहीं, जो हमारी इतिहास की पुरानी यादें हैं, चाहे संसद हो चाहे मेमोरियल हो, एक तो बिल्डिंग के बदल दो या नाम बदल दो, लेकिन पंडित नेहरू का नाम जो इतिहास में है आप उसको नहीं बदल सकते। जो इतिहास महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सावरकर जी, तो उनका खुद का इतिहास वो लोगों ने बनाया है, आप उनका जैसा इतिहास नहीं बना सकते, इसलिए आप नाम बदल रहे हो।
मेरे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज़। नमस्कार।